नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि टाइटल से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी गाने को मुझे किस स्केल से गाना चाहिए, ये सवाल, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे किस स्केल से गाना चाहिए, पहले इसका मतलब समझिए। मुझे किस स्केल से गाना है, इसका मतलब कि मैं आराम से उस गाने को उस स्केल में गा लूं, पहली बात। दूसरा, मेरी आवाज़ है वो ख़राब ना हो, यानी कि बेसुरा मैं ना रहूं और मैं लंबे समय तक गा सकूं। ये मतलब होता है कि आप अपनी इस स्केल में गाएं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी गाने का स्केल है वो एफ शार्प है, या मैं कहूं कि किसी गाने का स्केल है वो जी शार्प है या ए शार्प है। अब स्केल का मतलब पहले आप समझ लीजिए इसको, कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इसको सी शार्प से गाया हूं, तो ये मेरा सी शार्प है। इसका मतलब कि ये जो है मेरा सा है, समझना अच्छे से, ये मेरा सा है। यहां से जो गाने का जो पैटर्न है, चाहे वो किसी भी थाट में है, तो फिर मेरे को यहां से आगे सारे गामा पाधा निसा ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इस गाने को मैंने डी शार्प से गाया है, इस गाने को मैं डी शार्प से प्ले कर रहा हूं, तो यहां से मैं सारे गामा पाधा निसा ढूंढूंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इस गाने को सिंगर ने एफ शार्प से गाया है, इट मीन्स उसका ये सा है, समझना इस बात को। तो जो स्केल का मतलब है वो ये है कि जो स्केल वे बोल रहा है वही उसका सा है। अगर सी शार्प बोले तो ये सा है, डी शार्प बोले तो ये सा है, एफ शार्प बोले तो ये सा है। कोई भी बटन जो जिसका नाम है वो उसका स्केल अगर बोलता है तो वही बटन उसका सा होगा, इस बात को पहले अच्छे से समझ लें। अब सवाल आता है कि कोई सिंगर है, उसने किसी गाने को एफ शार्प से गाया है, एफ शार्प से गाया है, और अब आप भी उसको एफ शार्प से गाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? यानी कि आपका लेवल है ये, आप यहां से चार पांच सुर ऊपर जा रहे हो, ठीक है। इट मीन्स अगर यहां से गाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो रियाज है, प्रैक्टिस है, वो यहां पर है, आपके गले की रेंज है वो यहां से लेकर के यहां तक की है, अधिक से अधिक आप यहां तक जा सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं। लेकिन अगर यहां से आप शुरू करेंगे तो सा से लेके सा तक तो ये हो गया, उसके बाद में आगे मैं जाऊं तो यहां तक आप जा सकते हैं, या यहां पर आप जाएंगे तो यहां पे जाएंगे तो यहां पे आपकी आवाज क्रैक होगी, बेसुरापन होगा, आवाज निकलेगी नहीं, गला थक जाएगा और आपको ये लगेगा कि मैं नहीं गा पा रहा हूं, फला आदमी गा पा रहा है, क्योंकि फला आदमी ने उस स्केल से प्रैक्टिस की है। अब स्केल बढ़ाने का या स्केल का रेंज बढ़ाने का है वो एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, अलग से एक वीडियो मैं आपको दूंगा। लेकिन इस टॉपिक की हम बात करते हैं कि मुझे वो किस स्केल से गाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि एक बहुत ही फेमस गाना है, गाधानी कोमल थाट आसावरी का प्रारूप देखिए, ये सारे गा कोमल मा पा धा कोमल नी कोमल और सा, ठीक है। इस गाने को आपने खूब सुना होगा, समझ में आई बात। अगर इस गाने को मैं यहां से बजा रहा हूं तो गा धानी कोमल लिया और मैंने इसको आराम से बजा दिया, ये मेरा स्केल है और यहां से मैं इसको चाहूं तो गा भी सकता हूं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हो गया। मैंने यहां से आराम से गाया क्योंकि ये यहां तक जा रहा है और मैं आराम से इसको गा रहा हूं। अगर मान लो कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं यहां से, तो यहां से मैं वही गाधानी कोमल ढूंढूंगा, तो ये मेरा सा हो गया, ये रे हो गया एक छोड़ करके गा कोमल, ये हो गया मा पा और ये धा कोमल और सा रे गा कोमल, फिर उसके बाद में मा, फिर उसके बाद में ये धा कोमल नी कोमल और सा रे गा कोमल, और उसके बाद में ये मा एक छोड़ करके पा, उसके बाद में तुरंत धा, ये नी और सा, तो ये हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा हो गया।
अब मैंने देखा था कि जो शुरुआत की थी यहां से जब की थी तो पा से मैं सा गया था, ठीक है, सुर को सेट करने का। मैंने यहां पे देखा कि मैं पा से सा, हम तेरे बिन, मैं पा से सा जाके नी धा पा आया हूं। तो अब मैंने यहां से इसका स्केल लिया है, तो यहां से सा रे गा कोमल मा पा, तो यहां से मैं जाऊंगा सा पर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हो गया स्केल। यहां पर भी मैंने थोड़ा सा अगर एक बटन आगे गया तो मैंने गा दिया, लेकिन मान लो कि मैं और करता हूं आगे कि मैं इसको यहां से बजाऊं, ये मेरा सा हो गया। यहां से मैं देखूं तो एक छोड़ करके रे, तुरंत बाद में गा, फिर वो मा, फिर उसके एक छोड़ करके पा, फिर तुरंत बाद में धा, फिर उसके बाद में नी और ये सा। अब ये मैंने सा गा पा ले लिया। तो सबसे पहली बात कि ये जो मैं सुर ढूंढ रहा हूं गाधानी कोमल या तुरंत बाद में रे ये वो ये वो, दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार वीडियो देखते हैं, आप सुर संगम पे जाइए, वहां पर लेसन नंबर 100 लिखिए, आपको वो वीडियो मिलेगा। उसके अंदर पूरी रामायण मैंने एक घंटे की बताई हुई है, सुरों के बारे में, हारमोनियम के बारे में, स्केल के बारे में, बटनों को पहचान। तो उस चीज़ को एक बार आप फटाफट से देख लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। और दूसरी बात कि आप अलग अलग स्केल से गानों को ट्राई करें। ट्राई करने का मतलब है कि एक गाना आपको आ गया, उस गाने को आपने सी शार्प से बजाया है, आप उसको पता चल गया कि इस गाने के अंदर जो मैं अभी गाना बजाया कि इसके अंदर गाधानी कोमल है, मैं अगला सुर बढ़ा तो मैंने गाधानी ढूंढ लिया, उसके बाद में फिर अगला सुर जा रहा हूं तो सारे गामा, और उसके बाद में एक छोड़ करके पा, तुरंत बाद में धा, फिर एक छोड़ करके नी कोमल और सा, ये मेरा सा हो गया। पासे में सीधा जैसे यहां पर हम पासा गए थे स्टार्टिंग में, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हो गया, यहां से भी मैं गा सकता हूं या गा पा रहा हूं, लेकिन मान लो कि मैं और आगे जाऊं, अगर मान लो मैं यहां से जाता हूं तो सारे गा कोमल मा पा, फिर धा कोमल नी कोमल और सा, तो ये हो गया सारे गामा पा, पा से जाऊंगा सीधा सा पर। हम तेरे बिन, अब देखिए यहां पर मेरे को ताकत लगानी पड़ रही है, आपको भी समझ में आ रहा होगा मेरी आवाज से कि मैं बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा हूं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। समझ में आई बात आपको कि यहां पर मेरे को तकलीफ हो रही है। अगर मान लो कि सिंगर ने इसको मान लो यहां से गाया है, समझिए मेरी बात, अगर सिंगर यहां से गाता तो सारे गा, यहां से मैं गाऊंगा तो यहां से सा का मेरा सा ये रहेगा, ठीक है। तो आप सोचिए अगर यहां पर जाएंगे तो क्या आपकी आवाज को दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं आएगी आपको। तो अब इसमें सबसे पहली बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप सबसे पहले तो आपको सुर पता होने चाहिए। उस सुर को पता करने के लिए मैं आपको सारा मटेरियल देता जा रहा हूं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे भजन सुर संगम के ऊपर अनलिमिटेड पड़े हैं। आप सुर संगम पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सुर संगम पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कम से कम 20 प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग राम भजन, कृष्ण भजन, हनुमान भजन, बॉलीवुड सॉन्ग, ये वो, राग ताल, दुनिया भर की प्लेलिस्ट हैं। आप देखते नहीं हैं, एक सॉन्ग आपने ये देखा और उसके बाद में आप बस सवाल कर देते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि लगभग अगर मैं पूरा मिला लूं तो लगभग 800 वीडियो सुर संगम पे हैं। तो उनको आप देखिए, समझिए, और मैंने जो ये बात बताई है उसको समझना कि अब आपको खुद को ये तय करना है कि मुझे कहाँ से गाना चाहिए। अगर मान लो कि मैं यहाँ से गा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्यों गाऊंगा, मैं नीचे से गाऊंगा ना, यहां से ले लूंगा, एक सुर पीछे ले लूंगा, हो सकता है फिर मैं यहां से करूंगा तो मेरा सा ये होगा, यहां तक मेरा काम हो जाएगा। मैं एक पीछे, अगर यहां भी मेरे को तकलीफ हो रही है तो मैं यहां आ जाऊंगा, यहां से गाऊंगा तो फिर मेरा सा ये होगा, ये वाला सा होगा।
अगर मेरे को यहां से भी तकलीफ हो तो नीचे आ जाऊंगा। महिलाएं वगैरह हैं जिनका स्केल का प्रॉब्लम और रहता है, वो नीचे आ जाएं, यहां से करेंगे तो फिर उनका स्केल ये हो जाएगा सा से सा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपसे ये कहूं कि आपको पर्टिकुलर सॉन्ग किस में गाना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। कोई गाना है जो थोड़ा सा, जैसे मान लो कि उसका जो, अब जैसे मान लो कि आपका स्केल सी शार्प है, समझना इस बात को, ध्यान देना, आपका स्केल सी शार्प है, कोई सॉन्ग है जो आप सी शार्प से अच्छे से गा लेते हैं, लेकिन उसी गाने को अगर एक नोट बढ़ा करके डी शार्प से गाएंगे और अगर उसकी खूबसूरती अच्छी बन जाती है तो आप डी शार्प से कोशिश करें। आपका जो स्केल है, देखिए गाने की जब बात आती है, इस बात को और अच्छे से गांठ बांध लेना, जब गाने की बात आए ना तो आपका जो स्केल है उससे एक स्केल ऊपर से गाएं। जब गाने की बात आती है तो आपका जो स्केल है उससे एक स्केल ऊपर से गाएं, मजा आएगा, आपकी आवाज़ अच्छी बनेगी, निकलेंगे चीज, है ना। और अगर रियाज की बात आती है तो आप अपने स्केल पर या उससे एक स्केल नीचे, या मैं कहूँ एक बटन नीचे आप रियाज करें। अगर आपका सी शार्प का ये आपका स्केल है तो मैं ये कह रहा हूं कि रियाज आप यहां से करें, सारे गामा पद है निशा ये वाला। इससे क्या होगा कि नचाते हुए भी आपकी खरज की रियाज होगी, आपकी आवाज में बेस बनेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये बहुत सारी चीजें एक साथ क्लब करके दी हैं। मेन आपको टैगलाइन, शायद आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, मैंने जो सवाल या टैगलाइन डाला है उसका मतलब आपको समझ में आया होगा और शायद आपको इससे फ़ायदा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो वाकई आपको इससे फ़ायदा हुआ है, मेरी बात आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बना करके आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।